और बारिश हो रही है। मैं निकलने ही वाली थी, मतलब मैं ऑफिस की बिल्डिंग से यहाँ से निकली हूँ और बारिश हो गई है भाई मस्त। तो मेरे को मैं रुक गई हूँ ज़रा, क्योंकि ऑटो उस टाइम पे मिलेंगे नहीं और मेन गेट तक जाने के लिए मैं हो जाऊँगी गीली, क्योंकि मैं वाइट शूज़ पहन के आई हूँ आज। ये देखो और इन्हें देखो इनसे मिल लो। ये यहाँ पे भी बच्चे हैं, ये मामा के बच्चे हैं, ये यहाँ पे भी होते हैं, तो इनको भी हम डेली अच्छा सा खाना वाना खिलाते हैं मस्त। एक और डॉगी है हमारी, एक और डॉगी है। तो जरा मैं निकलने की तैयारी करूं और लेट्स गेट गो, घर चला जाए। गाइस घर आ चुकी हूं मैं, और घर आने के बाद आज मेरे को कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, नॉट फीलिंग हैप्पी। ये होता है मेरे साथ, मतलब मेरे को भी इतना ब्रेक डाउन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे मैं आके झाड़ू पोछा लगाती हूँ वैसे, बट मेरे को नहीं मन कर रहा है आज कुछ भी करने का। प्लस मुझे खाना बनाने का भी मूड नहीं हो रहा है, ना मुझे कल की तैयारी का कोई कुछ ऐसा हो रहा है। मेरे को लिटरली आज पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एक टॉम और सडन वो कुछ हो गया। मेरे को घर जब मैं आ रही थी तो आते आते भी मुझे पता नहीं दो बार आई वॉज लाइक ओके ऐसा हो गया मेरे को। और अभी भी मैं आ गई थी आई गेस 7:30 बजे, 7:30 से ऑलमोस्ट 8:30 बज के आई एम जस्ट सिटिंग। मेरे को ब्लॉग बनाने का भी कोई मन नहीं कर रहा है। मैं ना अपने आप से दुखी हो जाती हूँ, अब मुझे मुझे भूख भी लग रही है, मुझे बनाना भी कुछ नहीं है और मुझे बाहर का भी नहीं खाना, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। I'm so done with my life. I'm so done. ये है, इसको कुछ नहीं पड़ी, इसको मार्बल डॉगी इस पे बात करनी है। I'm not okay. I don't know, मुझे रोना भी क्यों आ रहा है। हाँ मम्मी
बहुत अजीब, मुझे अजीब सा हो रहा है कुछ अंदर, मतलब मेरे को ये ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड लिटरली लोगों को लगता है आई एम स्ट्रांग, एंड नो डाउट आई एम सो स्ट्रांग, आई एम ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, नहीं हूँ यार मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है। कहते हैं मेरे को ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई मी, मेरे साथ क्यों, आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड इन दिस कंट्री और व्हेरेवर, उनकी लाइफ में शायद मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, होते ही हैं सबकी लाइफ में होते हैं नो डाउट। बट देयर वाज अ वीडियो मैंने सुना था जहाँ पे कि भगवान प्रॉब्लम्स में उनको देता है जो स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो उनको हैंडल कर सकता है, या फिर आप उनको और स्ट्रांग बना रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार नहीं, इट्स डन, देखो अच्छी, मैं शायद वो फीलिंग नहीं बता पाऊंगी कि मुझे क्या फील होता है, पर मेरे को ना अंदर बहुत ऐसा ऐसा हो जाता है एकदम छोटा सा। राइट नाउ आई जस्ट वांट कि मैं लाइट, मैंने लिटरली फैन स्लो कर रखा है, मैं कभी फैन स्लो नहीं करती, फैन स्लो करके लाइट स्लो के मैं जैसे ऐसे अकेले यहाँ बैठी रहूँ, मुझे ऐसा ऐसा लगता है बस, मतलब फिलहाल ये पॉइंट पे मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है। मैंने टीवी ऑन करना था, मैंने टीवी ऑन नहीं किया, मुझे फोन में कुछ देखते देखते आई एम डन, मुझे कुछ नहीं स्क्रॉल करने का मन हो रहा है, आई जस्ट वांट टू सिट अलोन। आई नो मुझे अभी भूख भी लग रही है, मैं जितना स्ट्रेस में होती हूँ मुझे उतनी भूख लगती है, मुझे ऐसा मतलब मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ खा लूं, मतलब खाना खा लूं, पर क्या खा लूं यार, इट ऑलवेज फील्स लाइक यार नो वन इज देयर टू अंडरस्टैंड यू, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ फॉर योर थिंग्स। मैं नॉर्मली बात करने आई थी बाय द वे वीडियो स्टार्ट करने के लिए, मैंने सोचा शायद मैं खाली बैठी हूँ तो व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ कुछ, बस समहाउ आई डोंट नो हाउ आई कनेक्टेड, मतलब वो कनेक्शन फील हो गया कि आई जस्ट मेरे को आंसू आ गए, मेरे को रोना आ गया, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। एंड आई हेट दिस फीलिंग जो मेरे को अंदर होती है, क्योंकि ये फीलिंग्स से मैं ऑलरेडी गुजर चुकी हूँ, एंड आई रियली डोंट लाइक इट, वो फेस करना लाइफ का बहुत अजीब है मेरे लिए। पता है एक होती है किसी इंसान की लाइफ में ना एक प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन से झेलती आ रही हूँ कुछ चीज़ें, उस टाइम समझ नहीं थी वो चीज़ों की, बट समझ हुई तो काफ़ी देर हो गई, और उस समझ में जब आपने समझाने की चीज़ कोशिश करी किसी को, घर वालों को, वो उन्होंने समझा नहीं, और मुझे लिटरली कोई नहीं समझता यार। या फिर
मैं हूँ ही अजीब. समटाइम्स इट्स फील लाइक मेरे में शायद प्रॉब्लम है, लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. एनीवेज थैंक यू गाइस मेरी बक बक सुनने के लिए. मम्मा क्राई कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे? Right, this is just to inform you that I'm feeling okay now. और ऐसा कि मेरे को कभी कभी इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है मेरा, आई डोंट नो वाई, पर ऐसे ही होता है. मुझे रीजन लिटरली समझ नहीं आता है. मुझे रीजन एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट आई गेस वो मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से होता है. बट एज जैसे मैंने बोला कि मुझे खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्ट्रेस में, तो फिलहाल आ चुका है फ्रूट मान या पेस्ट्री जो मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ खाने की. ऐसे बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी ये खाने, मतलब देखने में, मैं बस खा के देख रही हूँ कि ऐसी है. नाइस. तो आई नो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हैं, उनको भी शायद जो सिचुएशन है, मतलब मैं जो फील करके रोना आ जाता है, आप लोगों के बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और समझ नहीं आता वो क्यों हो रहा है बट हो जाता है. तो गाइस ये मेंटल ट्रॉमा की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, जहाँ हम अपनी फीलिंग्स आई गेस ऐसा लगता है हमें कि कुछ समझ नहीं रहा या फिर हम शेयर नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज़ें, वो हमारे अंदर अंदर ऐसे खरोचती रहती है और वो इस वे में निकलता है. तो बस ऐसे ही होता है. हम दिखाने के लिए लोगों के सामने वी आर वेरी हैप्पी, बट एट द अदर साइड वी नो आर द रियल ट्रूथ. सो यस, बट अभी मैं ठीक हूँ. बस आपको ये बताना था कि आई एम फॉर फाइन, तो मेरे लिए परेशान मत होइएगा, मेरे साथ ऐसा होता रहता है. तो आई एम चिल पिल, आई एम पारी बच्ची, आई एम गुड. मैं ऐसी हूँ, थोड़ी सी हो जाता है कभी कभी. वी आर गुड एक्चुअली. यश को देखो, इसको भी नाइट रूटीन हो रहा है. मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ आज, मेरे को बस सोना है, मेरे को बस अकेले रहना था. तो मैं लिटरली टीवी भी बंद करके रखा है, मुझे नहीं चाहिए था टीवी भी. तो बस मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोफे पे सोऊंगी आज. मैं सोफे पे सोती हूँ बाय द वे, तो मैं सोफे पे सोने वाली हूँ. मैं यहीं पे बस आराम से सो जाएंगे गौस्कर और मैं, और इसी के साथ करते हैं वाला ब्लॉग एंड. आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे है सारे लिंक. बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, किचन किचन गो सिक, आई लव यू, बाय टीम टूडल्स. अगर आप जैसा सिचुएशन में फेस करते हो, अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे, मतलब जो फीलिंग्स है जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, ऐसा अगर कुछ भी आपके साथ कभी हुआ है, तो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. तो पारी बच्चे इंस्टाग्राम पे आप अपनी स्टोरी शेयर करें, और अगर मैं आपकी हेल्प कर पाई, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. Bye.